हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आपके लिए आज मैंने फिर से एक नई वीडियो बनाई है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट करें मुझे कि सर, हमने ग्लोबलाइजेशन का एग्ज़ाम दिया, बहुत बढ़िया गया, जिस तरीके से आपने पेपर बताया था उस तरीके से पेपर आया। अब उन दोस्तों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि यदि आपने अगर अच्छा एग्ज़ाम लिखा, आपका अच्छा पेपर गया, तो ये आपकी ही मेहनत है। मैं तो एक ज़रिया हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से करिए। तो अब हमारा हिस्ट्री का और एजुकेशन का एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो हिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे, जिन बच्चों का एजुकेशन का है वो एजुकेशन की प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपके लिए दोनों सब्जेक्टों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पक्का आते आते हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कारण थे उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो को सीधे जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिगार्डिंग है, उसी से जुड़ा हुआ है। या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूछता है, आपको पता ही है, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम पूछता है। तो आज हम परिणाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कारण वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके सीधा देख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि क्या ऐसी वजह उत्पन्न हुई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हो तो उसका इंट्रो आपको, यानी भूमिका जो होता है, परिचय जो होता है, उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपसे परिचय पूछता है या नहीं भी पूछता, तभी भी आपको थोड़ा बहुत देना होता है ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा लगे कि उसके बारे में पहले मुझे एक्सप्लेन किया गया है। टीचर को भी अच्छा लगता है कि क्या है क्या नहीं वो चीज़, उसके बाद उसने मेरे को आंसर बताया है उसका। तो पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको कारण वाली वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रेट वॉर है, ग्लोबल वॉर है। ग्रेट वॉर इसलिए कहता है क्योंकि बहुत भयानक युद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध था, महान युद्ध था, 4 वर्षों तक चला था, इससे पहले इतना बड़ा युद्ध नहीं चला। ग्लोबल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि विश्व के अधिकतर देश इसमें शामिल थे। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ये इतना बड़ा, इतना भयानक युद्ध था कि लोगों को ऐसा लग रहा था वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी ऐसा युद्ध है कि इसके बाद अब कोई युद्ध होगा ही नहीं, यानी इतनी भयानक स्थिति हो गई थी। अभी बात करते हैं कि जो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक ये चला। अब इस युद्ध के अंदर भी देखो जो डाटा है वो देखो अनुमानित डाटा है। तो अनुमानित डाटा आपको लगभग करके हमेशा लिखना होता है कि 1,70,00,000 लोगों की इसमें अनुमान लगाया जाता है कि भैया मौत हुई, और दूसरी बात 60,00,000 आम नागरिक घायल हुए, इसमें से 1,10,00,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। मतलब आप देख सकते हैं इतनी भयानक युद्ध था ये कि इतने लोग आप मर रहे हैं, तो बहुत बड़ा युद्ध था ये। अब ये तो बात हुई कि भैया युद्ध कब शुरू हुआ, किस किस नामों से जाना जाता है इसको। अब हम ये बात करेंगे कि ये युद्ध जो था किन किन पक्षों के बीच लड़ा गया। तो मेनली ये दो पक्षों के बीच लड़ा गया, एक तो आइडल शक्ति और दूसरी थी आपकी, आइडल शक्ति के अंदर क्या होता है आपको इसको मित्र राष्ट्र के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अंदर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, ये सब देश थे। वहीं दूसरी ओर सेंट्रल शक्ति, सेंट्रल शक्ति में कौन कौन से था आपका, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, जैसे तुर्क साम्राज्य भी आप कहते हैं, ये देश इसमें शामिल थे। देखो दो पक्ष बन गए, एक आइडल शक्ति यानी मित्र राष्ट्र, दूसरा सेंट्रल शक्ति केंद्रीय शक्ति जो कि विरोधी थी। जो केंद्र शक्ति थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाती है। जरा अब हम बात करते हैं मेनली कि ये जो आपका वॉर था इसके क्या परिणाम निकले। 4 वर्षों तक जैसा कि आप जानते हो कि ये युद्ध चला, अब जरा हम इसके परिणाम के बारे में बात करेंगे क्या इसके परिणाम हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला परिणाम दोस्तों देखो क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले बहुत से ऐसे आपके राज्य यानी देश थे जहाँ पर आपका राजतंत्र था या तानाशाही थी। जैसे कि जर्मनी में केसर विलियम नाम का राजा राज करता था, ऑस्ट्रिया में और तुर्क में, उन दोनों
प्रदेश में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र ही कायम था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि काफ़ी बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे जर्मनी हो गया, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका हंगरी हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ये हार जाते हैं बड़े बड़े देश, तो क्या होता है कि ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं देश। कई टुकड़ों में विभाजित होने का मतलब ये है कि इनके जो उपनिवेश भी थे इनसे छीन लिए जाते हैं, ये गुलाम जो उपनिवेशी की गुलामी की मार झेल रहे थे वो देश आज़ाद हो जाते हैं। और वो वहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा क्या होता है, प्रजातांत्रिक सरकारें आ जाती है। प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब होता है लोकतांत्रिक सरकारें, जहाँ पहले इन बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, तुर्क साम्राज्य हो गया, ये बड़े बड़े प्रदेशों के जो कब्जे थे, कई देशों पे इन्होंने कब्जे कर रखे थे, उन देशों को अपना गुलाम बना रखा था, जिस प्रकार भारत ब्रिटेन का गुलाम था इन्होंने भी बना रखा था कई देशों का। तो जैसे युद्ध में ये हारे तो इनकी स्थिति कमज़ोर हुई, ये कमज़ोर पड़ गए, और कमज़ोर पड़ने का लाभ उन देशों ने उठाया और उन लोगों ने क्या है कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि प्रजातांत्रिक राज्यों की स्थापना हुई। अब प्रजातांत्रिक राज्यों में भी देखो दोस्तों कौन कौन से राज्य बने, पहला अगर हम बात करते हैं तो आपका एस्थोनियो, दूसरा है आपका चेकोस्लोवाकिया, दूसरा है इसके बाद है अगला लिथुआनिया, ठीक है। ये सब सरकारें इन देशों में कैसी सरकारें बनी, प्रजातांत्रिक सरकारें बनी। दूसरी बात करते हैं, दूसरा परिणाम दोस्तों क्या दूसरा परिणाम होता है, महाशक्तियों की स्थिति में परिवर्तन। अब आप कहेंगे महाशक्ति, देखो प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जो बड़े बड़े देश मैंने अभी आपको नाम बताए थे कि जो आपस में लड़ रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये एक तरफ थे एक तरीके से देखा जाए तो, सर्बिया वो भी उसी तरफ था, दूसरी तरफ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, ये एक तरफ थे। तो विश्वयुद्ध से पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रूस, इटली, जर्मनी, ये सब देश ऐसे थे जो कि बहुत ताकतवर देश थे। लेकिन जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई तो जर्मनी शांत पड़ गया, यानी वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, और साथ ही साथ धीरे धीरे इटली का भी महत्व धीरे धीरे खोने लग गया। अब हम इसके बारे में देखो वर्साई की संधि क्या दोस्तों, एक अलग से हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके कारण भी उसके शर्तें पूछता है मेनली तो कि क्या शर्तें थी, तो उसके लिए मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे आप एक दो दिन में आपको उसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक सीक्वेंस मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उठाया है, अब इसके बाद धीरे धीरे जो जो से क्वेश्चन बनेंगे इसके साथ साथ के आगे आगे मैं टाइम पीरियड के साथ आपको एक्सप्लेन कर जाऊँगा। और एक चीज़ आपके लिए ये खास रहेगी कि आपको संडे से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, जैसा कि आपको ग्लोबलाइजेशन के एग्ज़ाम में करवाया गया। अगला पॉइंट आपका है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। अभी अंतर्राष्ट्रीयता का विकास का मतलब क्या है, जरा इसको समझेंगे। देखो प्रथम विश्वयुद्ध जब हुआ ना तो प्रथम विश्वयुद्ध से पहले युद्ध को रोकने वाली कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं थी कि कभी भविष्य में युद्ध होता है या इतने बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहा है तो उसके बीच में कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाए, बीच में आकर युद्ध को रोकने का प्रयास करे या देशों को मना करे कि भैया आपको युद्ध नहीं करना। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने इस बात को ज़रूरी समझते हुए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद आपका पेरिस शांति सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम आपने सुना होगा लीग ऑफ नेशन, इसके भी अलग से हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है, इसकी असफलता के कारण पूछता है तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो लीग ऑफ नेशन जो है उसका निर्माण करवाया जाता है। अब लीग ऑफ नेशन क्या है, जैसे आज आपने वर्तमान समय में यूएनओ सुना होगा, ये उसी का ही पुराना रूप है। यूएनओ से पहले आपका लीग ऑफ नेशन था जिसे आप यूएन कहते हो, इसका विकास हुआ, ये कब हुआ, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ। तो ये मेनली इससे क्या हुआ कि कई देश अब इस प्लेटफॉर्म में आते थे एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, अगर किसी देश में वाद विवाद है तो इन वाद विवादों को आसानी से सुलझा लिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था आपको समझ में आ गया, आई होप दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीयता का विकास क्या पॉइंट है क्या पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट ये है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्वयुद्ध हुआ, हमने बताया कि भाई अमेरिका जो था वो आइडल शक्ति यानी मित्र राष्ट्र जो है आपका उनके साथ शामिल था। उनके साथ शामिल होने के कारण सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भाई जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तो काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उनकी जो शक्ति है उसमें कटौती होती है। क्यों, क्योंकि युद्ध में वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे भाग लिए थे उन्होंने, और जो अमेरिका है उसमें दूसरे देशों को भी और अपने जो मित्र भी थे उनको भी हथियार बेच रहा था। हथियार बेचने के कारण उससे क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है।
और बहुत फ़ायदा होने के कारण क्या होता है कि जो ब्रिटेन एक समय में जो अमेरिका ब्रिटेन से कर्ज लेता था, अब एक समय स्थिति ऐसी आ गई कि ब्रिटेन को भी अमेरिका से कर्ज लेना पड़ रहा था। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में आप देखते हो कि जब अमेरिका 1917 में शामिल होता है तो उसके बाद जो आपकी मित्र राष्ट्र की शक्ति है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आप देखते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपने देखा, जबकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिका की अगुवाई में पेरिस शांति सम्मेलन में एक यूएन बना, लीग ऑफ नेशन बना, तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे निर्णायक भूमिका निभाने लगा। और वो क्या एक महत्वपूर्ण देश, और उसकी जो प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, महत्वपूर्ण देश माना जाने लगा अमेरिका भी। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जापान का एक शक्तिशाली देशों में गिनती होना। अगला पॉइंट ये आएगा तो बहुत आसान पॉइंट है, आपको बस समझना आएगा कि देखो जापान आप देख सकते हो कि कई द्वीपों से मिलकर बना है, और चीन और रूस के अगर आप राइट साइड में देखोगे तो आपको ये देश दिख जाएगा। जापान क्या होता है कि कई टापुओं से मिलकर बना है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई होती है तो ये जीत जाते हैं, और जीतने के बाद क्या होता है कि पांच जो बड़े देश दुनिया में होते ना, उनमें से एक देश आपका जापान होता है। जापान की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे एशिया का इंग्लैंड कहते हैं। अब ये एशिया का इंग्लैंड क्या था, जरा इसके बारे में समझ लेंगे कि एशिया का इंग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय में जो इंग्लैंड यानी जो ब्रिटेन है उसकी पूरी दुनिया में उसका डंका चलता था, मतलब पूरी दुनिया में उसका उसकी सरकारें थी, उसका कब्जा था। कहते हैं कि जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। सूर्य अस्त ना होने का मतलब यही था कि भैया उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं आपकी दिन हो रही होती थी। पृथ्वी की अगर सतह इस तरफ घूमती थी तो दूसरी तरफ जो आपका था दिन होता था, तो वहाँ उसका साम्राज्य होता था। ठीक इसी प्रकार जो एशिया है, पूरे के पूरे एशिया पे किसका दबदबा हो गया था, जापान का, और दुनिया के पांच बड़े देशों में इसकी गिनती होने लगी थी। तो इस प्रकार जो जापान है उसकी भी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से पॉइंट और हैं जो आपको इसके अंदर लिखने हैं, आप इस पॉइंटों को अच्छे से लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि दुनिया में आर्थिक संकट आना एक इसका कारण है। देखो प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादातर जो देश थे वो शामिल हुए, और ज़्यादातर जो देश शामिल होने के कारण क्या है कि युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, सैनिक खर्च हुए, जिसके कारण जो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के कारण भी क्या है कि अब आगे चल के जब युद्ध खत्म हुआ तो क्या है कि वस्तुओं का ढेर लग गया बाजार में, कोई वस्तु खरीदे ना, क्योंकि क्रय शक्ति लोगों की गिर गई थी। तो इसके कारण आर्थिक संकट देश में आया था। इसके बारे में भी अलग से क्वेश्चन आपका बनता है, इसके बारे में भी हम आपको अलग से ही समझाएंगे। इसके अलावा आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीयता का विकास मैंने बताया, तो उसके बाद आपका एक और पॉइंट आएगा इसके अंदर जो हम अगला पॉइंट बताएंगे। इसके अंदर एक पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको कि आर्थिक संकट आया। अगला पॉइंट दोस्तों इसके अंदर ये है कि जो वर्साय की संधि है वो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी थोपी गई। वर्साय की संधि क्या थी, वर्साय की संधि का अलग से क्वेश्चन बनेगा। देखो दोस्तों तो वर्साय की संधि के बारे में बट लाइटली आपको इसमें एक पॉइंट बना के लिखना है कि वर्साय की संधि जर्मनी पे थोपी गई, जिसके बाद जर्मनी जो है उसकी पूरी महत्वाकांक्षा चौपट हो गई। वो एक समय में जो समृद्ध देश शक्तिशाली देश था, अब वो शक्तिशाली देश ना रहा। दोस्तों आपको अपने टाइम समय का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि 30 मिनट तक आपको राइटिंग करनी है, और इसके बाद फिर 30 मिनट राइटिंग करने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, चाहे आपके पॉइंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप अपना आंसर को छोटा करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपके पॉइंट भी कवर हो जाए और आंसर भी लिखा जाए। दूसरी बात, अब इसमें अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अब लास्ट पॉइंट जब आपका आएगा तो आपको उसमें निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके बाद ये आपकी उम्मीद जगाई गई कि जो जर्मनी है, जर्मनी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको आगे कभी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जर्मनी आगे चलकर विकास करता है अपना और बढ़ता है, आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई जाती है जो युद्ध को ये रोकेगी कि कभी युद्ध ना हो। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध जो था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटना बनकर रह गया। इसने अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में हमारी मदद कर दी। अतः उपरोक्त बातों से यह प्राप्त होता है या सिद्ध होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, और आपका क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो जाएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के आपको अपडेट जैसे ही मिले उसका सबसे पहले मैसेज आपको आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर योर अटेंशन।